सूरह फुरकान 25 नंबर सूरत की आयत नंबर 1 पर आ जाएं। तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। इसमें एक लफ्ज़ लियकूना के दरमियान एक ये का लफ्ज़ आया है। ये इशारा है थर्ड पर्सन की तरफ, ये इशारा कुरान की तरफ है, तो फिर कुरान भी हर ज़माने के लिए है। और अगर ये इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है तो वो भी तमाम ज़मानों के लिए नज़ीर हैं, तंबीह करने वाले, आगाह कर देने वाले, दी वार्नर। तो ये आयत ये साबित करती है कि जहाँ कुरान मजीद तमाम ज़मानों के लिए है, वहीं अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम ज़मानों के लिए है, किसी एक टाइम के लिए या एक कौम के लिए मखसूस नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ अता फरमाए। आमीन।